Wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक अगस्त में हमें रियलमी के कौन से डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहां पे देखने को मिला है, लाइक स्टेबल में, बीटा में एंड सिस्टम अपडेट्स में। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट्स की सारी जानकारी Realme के ऑफिशियल वेबसाइट Realme के सॉफ्टवेयर अपडेट ड्राइवर में देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको Realme UI 1.0 ओल्ड वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। आपको इसमें लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों, Realme कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर VK प्रभात सर Realme के लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स को सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो Realme के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में Realme की तरफ से अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है। सो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme C11 स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो Realme C11 स्मार्टफोन में 8.109 का अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी में अगस्त के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है Realme C11 यूज़र्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज्ड किया गया है एंड यहाँ पर आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे बग्स देखने को मिल रहे थे, तो उसे भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme Narzo 20 Pro। तो यहाँ पर Realme Narzo 20 Pro डिवाइस में C.19 का न्यू वर्जन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी में जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme 7। तो यहाँ पर Realme 7 डिवाइस में C.19 का अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी में जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है एकदम लेटेस्ट, एंड यहां पर सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है Realme C20। तो यहाँ पर आप लोगों को Realme C20 डिवाइस में अगस्त के मंथ का A.63 न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को A.63 न्यू वर्जन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी में अगस्त के मंथ का लेटेस्ट यहां पे एकदम सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है एंड यहां पे सिस्टम में अगेन सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट है Realme X7 5G। तो यहाँ पर Realme X7 5G डिवाइस में अगस्त के मंथ का F.04 न्यू वर्जन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी में जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है एंड यहां पे सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट है Realme C25S। तो यहाँ पर Realme C25S डिवाइस में C.08 का अगस्त के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी में जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है एंड यहां पर सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। इसके अलावा आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे बग्स देखने को मिल रहे थे, तो उसे भी यहाँ पर इस न्यू अपडेट के बाद फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme Narzo 50A। तो यहाँ पर Realme Narzo 50A डिवाइस में C.08 का न्यू वर्जन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड कराया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी में अगेन जुलाई एंड अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है, साथ ही सिस्टम में सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज्ड किया गया है एंड आपके डिवाइस में जो भी बग्स थे, उसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme Watch 3। तो यहाँ पर Realme Watch 3 स्मार्ट वॉच में Realme की तरफ से स्टेबल अपडेट को प्रोवाइड किया गया है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगस्त के मंथ का फर्मवेयर वर्जन 1.3.0.67 देखने को मिला है एंड यहाँ पे सिस्टम में भी कुछ चेंजेस किया गया है, कुछ यहाँ पे फिक्सेस किया गया है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, Realme X7 Pro 5G। यहाँ पे Realme X7 Pro 5G डिवाइस में स्टेबल अपडेट को कंपनी की ओर से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को अगस्त के मंथ का
F.50 न्यू वर्जन देखने को मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी में आप लोगों को अगस्त के मंथ का एकदम न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सेटिंग्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है। एंड सिस्टम में आप लोगों को सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा Realme X7 Pro 5G डिवाइस में। नेक्स्ट है दोस्तों Realme Pad X टैबलेट्स। तो यहाँ पे Realme Pad X डिवाइसेस में अगस्त के मंथ का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे Realme Pad X 5G वेरिएंट में 8.12 एंड Realme Pad X Wi-Fi वेरिएंट में 8.10 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को कंपनी की ओर से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। एंड सिस्टम में यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे और भी कई चेंजेस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों Realme GT 2 Pro। तो यहाँ पर दोस्तों Realme GT 2 Pro डिवाइस में भी ऑफिशियल अपडेट को यहाँ पे कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया था। स्टेबल अपडेट को कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया था। एंड इसमें भी आपको अगस्त के मंथ का 8.80 न्यू वर्जन देखने को मिला था। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच, नेटवर्क में इम्प्रूव नेटवर्क स्टेबिलिटी, कैमरा में भी यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला था। एंड सिस्टम में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों Realme X3 डिवाइस में भी ओपन बीटा एप्लीकेशन को Realme की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों Realme GT Neo 2 5G। यहाँ पे दोस्तों Realme GT Neo 2 5G डिवाइस में अगस्त के मंथ का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि Realme GT Neo 2 5G डिवाइस में स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है। Realme UI 3.0 पर यह बेस्ड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो C.08 का यहाँ पे न्यू वर्जन देखने को मिला है अगस्त के मंथ का। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी में जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। बट यहाँ पर यार अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। एंड यहाँ पे सिस्टम में आप लोगों को इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। एंड यहाँ पे सिस्टम में और भी सारे इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। एंड यहाँ पे इसके बाद आ जाता है Realme 9 5G। यहाँ पे दोस्तों Realme 9 5G डिवाइस में अगस्त के मंथ का स्टेबल अपडेट को कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को अगस्त के मंथ का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाता है। 8.07 पर ये डिवाइस बेस्ड है। एंड यहाँ पे आप लोगों को जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है। यार अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। बट आप लोगों को जुलाई के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम में यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया है। Realme X3 Super Zoom डिवाइस में ओपन बीटा प्रोग्राम को यहाँ पे लाइव किया गया था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। Realme UI 3.0 ओपन बीटा एप्लीकेशन को यहाँ पे लाइव किया गया था। तो दोस्तों Realme की तरफ से ऑफिशियली आप लोगों को अगस्त के मंथ में अभी तक में Realme के इन सारे डिवाइसेस में स्टेबल अपडेट, बीटा अपडेट एंड सिस्टम अपडेट्स देखने को मिला है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।